अरे दोस्तों, योगी वीरेंद्र देवी का सत्यमन। मैं आप सबों से ये निवेदन करता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ मेरे भाई और बहनों, कि जब तक हमारी देश की युवा पीढ़ी जो 70% इसकी जनसंख्या के एक अंश हैं, जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक वो समझदार नहीं होंगे, जब तक वो देश हित में सोचना शुरू नहीं करेंगे, जब उनके ज्ञान बिल्कुल अपडेट नहीं होंगे, तब तक वो देश हित में कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते। वो गुमराह होते रहेंगे। जो गद्दार हमारे स्वार्थ प्रेरणा से, जो स्वार्थ से बिल्कुल अपने आप को सराबोर कर लिया हो, वो कभी भी हमारे युवा पीढ़ी को, जो कि वोटर्स भी हैं, उनको गुमराह करेंगे और हमारे देश की प्रगति में हमेशा विघ्न बाधा डालेंगे। इसीलिए देश का जो भी महान सिपाही देश का हित चाहता हो, वो शिक्षा पर ध्यान दे। शिक्षा ऐसा जिसमें कि हर नागरिक के महान व्यक्ति बने, जिसमें सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के प्रति श्रद्धा हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को जिसने त्याग किया हो, और जो एक करुण वीर की तरह दिन रात देश की सेवा में अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। हमें बातें कम करनी है और काम बहुत ही ज़्यादा करने हैं, और हमें आराम हराम करने हैं। हमारे देश में हड़ताल की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में विभेद और विवाद का कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। हमारा देश अगर सचमुच दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता है, इसमें जो हमारे सनातन धर्मों में आया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग, सबका मिलजुल के एक शक्तिशाली मानवता की कल्याण के लिए हम एकजुट होकर देश को महान बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है ज्ञान की। जैसे योगी वीरेंद्र योगी, योगी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, योगी अमित शाह, ये लोग कर्मवीर हैं भाई। ये लोग हमेशा कर्म करते हैं, दिन रात देश को महान बनाने के सपने देखते हैं। इसके अलावा इनका अपना कुछ भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। तो जब तक हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा, तभी हम निस्वार्थ भाव से हर एक आंख की आंसू पोंछने की बात करेंगे। हमारे देश का इंसान तो क्या, एक प्यारा मेरा कुत्ता भी भूखा नहीं होगा, एक मेरा प्यारा कुत्ता सड़क पर दुर्घटना का शिकार नहीं होगा। इसको बोलते हैं प्रेम। केवल देश प्रेम सबको समन्वित कर लेता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, और उसके लिए आवश्यकता है करुणा, दया, स्नेह, प्रेम का। बहुत ही परिपरी जग हुआ पंडित दयानंद बोध, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। हम सबों को पंडित अगर होना है तो प्रेम करें, राष्ट्र से प्रेम करें, राष्ट्र के जितने भी हमारे नागरिक हैं उनसे प्रेम करें, और सबको जवान पर लगाम देने की आवश्यकता है। सबको अपनी सीमाओं में रहने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति सीमा पार नहीं कर सकता। देश के हित में ही बात करना होगा। कोई भी महान व्यक्तियों को अपमानित नहीं कर सकता। अगर इस तरह के कोई उनके दिमाग में बात है तो उसको देना पड़ेगा और उसको फिर से साबित करना पड़ेगा, नहीं तो उनको मृत्युदंड की सजा। आप अफवाहें उड़ा के हमारे बच्चों को गुमराह नहीं कर सकते, और ये बच्चे गुमराह होना भी नहीं चाहिए। ये सारे ज्ञानियों का कहा हुआ है। इसीलिए ज्ञानवान, बुद्धिमान, विचारवान, शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्र हित में युवाओं का सर्वांगीण विकास होनी चाहिए। इनको सबसे पहले चित्त निर्माण होने चाहिए, जो हमारे गुरु स्वामी विवेकानंद ने सिखाया था। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है, भारत माता को, प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और सर्वशक्तिमान देश बनाना है, देश, उसके लिए युवा का निर्माण हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।